मित्रानों में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए मेरे किचन में उसे हम बनाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए सबसे पहले मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं बना रही हूँ ये छोटी वाली जो फिश आती है रोहू, इसकी। और इसे मैंने अच्छी तरह से काट कर और अच्छी तरह से आप इसे साफ कर लीजिए ताकि इसके अंदर में कोई भी गंदगी न रहे। ये आधा किलो है और इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया और इसके पानी को अच्छी तरह से निकाल लिया है। तो आज मैं इसे एक बिहारी स्टाइल में बनाऊंगी, सरसों के मसाले में और बहुत ही अच्छे फ्लेवर में, जैसे गांव में भी बनाया जाता है। बहुत ही फ्राई करके सिर्फ हल्का सा सोंधी सोंधी खुशबू की, उस टाइप से बनेगा आज। तो चलिए इसमें हम कुछ सूखे मसाले अपने ऐड करते हैं। तो हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट, थोड़ा सा लाल मिर्च, आधा चम्मच आप लाल मिर्च डालिए और थोड़ी सी जीरा पाउडर और थोड़ी सी धनिया की पाउडर, बस। और इसमें अभी हम कुछ भी मसालों को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसे अब मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। तो देखिए पैन में मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है, इसी में मैं फ्राई भी करूंगी और इसी में इसकी ग्रेवी भी बनाऊंगी। तो चलिए, मैंने थोड़ा सा ऑयल अधिक डाला है, अगर आप अलग जगह फ्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल में इसे फ्राई कर लीजिए। चलिए अब हम एक एक करके फिश को डाल देते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इतने सारे फिश को डाल दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और इसे हल्का हल्का दोनों तरफ से आप रोस्ट करके निकाल लीजिए। ये मछली बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बड़ी वाली मछली का अलग ही स्वाद होता है, छोटी मछली की तो बात ही किसी और होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए अब आप इस फिश को एक एक करके इस तरह से पलटते रहेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अब हमारी फिश ये फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। और देखिए अब फिश निकालने के बाद अब इसी ऑयल में हम डालेंगे इसमें पचफोरन और इसे जलने देंगे थोड़ा सा। और इसमें अब हम ये मैंने पीली सरसों की पेस्ट ली है, इसे 2 चम्मच पीली सरसों को मैंने अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाकर ले लिया है। और सब मसाले मैं जैसे जैसे डालूंगी आपको बताती जाऊंगी। चलिए इसमें हम डालते हैं ये पीली सरसों की पेस्ट, धनिया पाउडर 1 बड़ी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच और इसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर दिया है, काली मिर्च इसे डाल देंगे और 2 बड़ी चम्मच ये अदरक, लहसुन का पेस्ट, सॉरी अदरक नहीं। चलिए अब इन सब चीजों को हम मिला लेते हैं और इसे अब हम थोड़ी देर तक 2-3 मिनट तक भुनेंगे। तो इसमें अब हम थोड़ा सा ये जो मसाला वाला पानी है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिला देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और आप मीडियम फ्लेम पर करके अब अपने मसालों को और मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट तक भूनिए। चलिए अब इसी स्टेज पे हम अपने सॉल्ट को भी डाल देते हैं। तो मैंने अपने स्वाद अनुसार मैं अपना सॉल्ट मिला ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। और सॉल्ट मिलाने के बाद एक बार चला दीजिए और अब इसे आप थोड़ा सा पकने दीजिए। तो देखिए 3-4 मिनट तक मैंने अब इसे भून लिया है और देखिए अब ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो गया है मसालों में से, इसका मतलब कि हमारे मसाले अब भून चुके हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर है जिसे ग्राइंड करके लिया है, अब आप इसे डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से आप मिला दीजिए। अगर इन केस आपके पास अगर टमाटर नहीं अवेलेबल है तो आप इसकी जगह पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। आप इसमें 2 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दीजिए, जितना आपको खट्टापन पसंद है उस हिसाब से, तो वो भी बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है और गांव में तो अक्सर बहुत लोगों के पास टमाटर कभी कभी अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो लोग आमचूर पाउडर डालते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अब टमाटर डालने के बाद अब इसे हम थोड़ी देर तक और 2-3 मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन इसमें खत्म हो जाए।
और इसमें थोड़ा सा अच्छा कलर आने देने के लिए हम इसमें डालेंगे एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे आपको तीखापन नहीं होगा, सिर्फ इससे कलर आएगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए इसमें मैं एक चम्मच डाल देती हूँ और इसे भी मिक्स कर देते हैं और अभी इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। तो देखिए अब मेरी टमाटर भी इसमें पक चुकी है क्योंकि ऑयल सेपरेट होके ऊपर आ गया। तो अब हम इसे थोड़ी सी चला लेंगे और इसे हम, अगर आप इस स्टेज में इसे सूखा इस तरह का हल्का सा मसाला के साथ खाना चाहते हैं तो इसमें भी आप मछलियों को हल्का सा कोट कीजिए और सूखी मसालेदार मछली इस तरह से भी आप खा सकते हैं। जिन्हें इसमें ग्रेवी चाहिए तो हम इसमें थोड़ा सा पानी अभी ऐड करेंगे। तो चलिए मैंने पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया है। आप कभी भी अगर ग्रेवी में गर्म पानी डालेंगे तो उसमें ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि, और उससे आपका क्विक खाना बन भी जाता है क्योंकि उसे आपको वेट नहीं करना पड़ता है कि पानी को खोलने के लिए। आप थोड़ा सा गर्म पानी इसमें हल्का सा डालिए तो इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसमें मैं थोड़ी सी आधा ग्लास पानी डालूंगी और इसे आप चला लीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए पानी डालने के साथ ही तुरंत मेरी पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गई। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ये धनिया की पत्तियां और इसे आप मिला लीजिए और अब हम अपने फिश को इसमें डाल देंगे। तो अब आप अपने फिश को इसमें इस तरह से डालिए। तो देखिए मेरी फिश कड़ी बनकर रेडी है और ये बहुत ही अच्छा देखने से ही लग रहा है तो खाने में सोचिए कितनी टेस्टी होगी। तो इस तरह से आप, आज मैंने बिहारी स्टाइल में बनाया है और इस तरह से आप सरसों के मसाले में और इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है ये छोटी मछली। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए। और खास करके जो लोग नए हैं वो तो जरूर सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें थैंक यू और जो नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की यम्मी रेसिपीज मैं आगे भी आप लोग के लिए ले आऊं और आपके नोटिफिकेशन पे जल्द से जल्द आए और आप उसे ट्राई करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके, टेक केयर एंड बाय।